तो जैसे 10वीं के पहले 12वीं नहीं करते, वैसे चैप्टर 1 से पहले चैप्टर 2 नहीं देखते। यानी जिन लोगों ने चैप्टर 1 नहीं देखा है वो लोग जाके देखना जरूर, एंड जिन लोगों ने चैप्टर 1 देखा है उनके लिए एक छोटा सा रीकैप। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्सपेरिमेंट के कारण बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे थे, लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में भी उनको सक्सेस मिला और वो बच्चों को टॉय में ट्रांसफॉर्म कर पाए, जो ट्रांसफॉर्म करने के बाद बने हगी बगी, मॉमी लॉन्ग लेग, पॉपी प्ले टाइम और कैटनैप। तो यहाँ पे एक ऐसा टॉय सामने निकल के आता है जो इन सारे टॉयज के हेल्प करता है रिवेंज लेने में। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ पे एक ऐसा टॉय सामने निकल के आता है जो इन सारे टॉयज के हेल्प करता है रिवेंज लेने में, और ये टॉय और कोई नहीं प्रोटोटाइप होता है, यानी 1006 एक्सपेरिमेंट इन सारे टॉयज से सबसे ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट होता है। और उस टाइम प्रोटोटाइप का एक ही प्लान था, इन सारे टॉयज की हेल्प करना एम्प्लॉयज से। इसलिए प्रोटोटाइप ने एक प्लान बनाया जिसका नाम था द आवर ऑफ जॉय, यानी इसका मतलब खुशी का पल जो आने वाला है। एंड ये वही टाइम था जिस टाइम पे सारे एम्प्लॉय मारे जाते टॉयज के जरिए, यानी एक काफी बड़ा मैस्कर हुआ था एम्प्लॉयज का जो काफी ज्यादा खतरनाक था। इस मैस्कर में बहुत सारे इनोसेंट एम्प्लॉय मारे जाते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता, लेकिन वो सारे एम्प्लॉय भी मारे जाते हैं जो एक्सपेरिमेंट में शामिल थे, यानी पूरी फैक्ट्री को खाली कर दिया था एम्प्लॉयज की गिनती से। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सारे एम्प्लॉय को काफी खतरनाक तरीके से मारा जाता है प्रोटोटाइप के प्लान के जरिए। यानी 8 अगस्त 1995 को एक काफी बड़े मास मर्डर को अंजाम दिया, और ये टाइम काफी ज्यादा परफेक्ट था। एंड यही टाइम परफेक्ट क्यों था, क्योंकि उस दिन एक ऐसा दिन था जहाँ पे लोकेशन, टाइम और दिन प्रोटोटाइप के प्लान के जरिए ये सब कुछ सही था। यानी 8 अगस्त 1995 को 11 बजे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे पूरे फैक्ट्री को खाली कर दिया, यानी फैक्ट्री के हर एक लोकेशन पे टॉय पहुंच गए थे एम्प्लॉय को मारने के लिए। गेम स्टेशन, प्ले केयर, मेक अ फ्रेंड, इन सभी लोकेशन पे पहुंच गए थे टॉयज सभी एम्प्लॉय को मारने के लिए। एंड इन सारे एम्प्लॉय की चीखने चिल्लाने की आवाज सुन सकती थी पॉपी प्ले टाइम, क्योंकि पॉपी प्ले टाइम एक केस में बंद थी। एंड उस टाइम वहाँ पे एक इमरजेंसी अलर्ट भी जारी होता है जिसमें सभी एम्प्लॉय को एक जगह पे छुपने के लिए कहा जाता है, एंड ये बहुत ज्यादा कम चांस है कि वो सभी एम्प्लॉय और चिल्ड्रंस बच गए हो। एंड यहाँ पे सभी एम्प्लॉय को मारने के बाद उन सभी डेड बॉडी को एक जगह पे डाल देते हैं जिसको वो बाद में खा के जिंदा रह पाए, लेकिन खाना खत्म होने के बाद यानी डेड बॉडी खत्म होने के बाद वो एक दूसरे को मार के खाने लगे जिससे वो जिंदा रह पाए, जिसके कारण बहुत सारे टॉयज को भी मार दिया गया। यानी जो ताकतवर टॉयज है वो जिंदा रह पाए और जो कमजोर टॉयज है वो मारे गए। तो फाइनली यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो सारे टॉयज ने अपना रिवेंज ले लिया इन सारे एम्प्लॉयज से, एंड यहाँ पे अब इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। एंड जब हम 10 साल बाद इस फैक्ट्री में दोबारा आते हैं तो हमें नाइटमेयर में रेडियो के अंदर एक मैसेज सुनाई देता है जो रिवर्स में बज रहा होता है। तो इस मैसेज में लिखा रहता है कि हम उस इवेंट में क्यों नहीं थे जहाँ पे सभी एम्प्लॉय को मार दिया गया था, अगर हम उस इवेंट में होते तो हम भी मारे जाते, हम वहाँ पे क्यों नहीं थे एंड हम वहाँ पे क्यों नहीं गए। इन सारे चीजों पे मैंने अपने एक वीडियो में बात करा है कि हम उस टाइम उस इवेंट में क्यों नहीं जा पाए। एंड अगर आपके दिमाग में कोई से भी क्वेश्चन आ रहा हो इस वीडियो को लेके तो मुझे बताना जरूर। तो आपको इस वीडियो का पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना।